अस्सलामुअलैकुम। अपनी बात बिजनेस में फिर एक नए वीडियो के साथ में हाजिर है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं माशाल्लाह। आज हम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस फ्रॉम अहमदाबाद। दोस्तों मैं आज पटेल रोड फार्म पे। अस्सलामुअलैकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग यूसुफ भाई के एक्चुअली ये सेकेंड शूट है और यूसुफ भाई के यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट्री को आप इंजॉय कीजिए, जो नस्ल पे इन्होंने काम किया है और पूरे हिंदुस्तान में जो एक हाइब्रिड नस्ल लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज आप फ्रेम में देख रहे हैं हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्रीडर है समुंदर, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और इससे जो नस्ल आई है भाई के यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। तो यूसुफ भाई, वैसे तो लोग जानते ही हैं आपके ब्रीडर को, लेकिन क्योंकि कुछ नए लोग भी देखते हैं वीडियो, तो आप क्या बताना चाहेंगे समुंदर के बारे में? ये कब लिए थे और क्या डिटेल पे बच्चा? ये बच्चा मैं एक महीने का लिया था जी, मोइन भाई के वहाँ। मोइन भाई वरकवाला, वरकवाला गोट फार्म के प्राउड ओनर माशाल्लाह, वो भी है साथ में आज हमारे, तो उनसे भी बात करेंगे। और इसका नाम आपने रखे समुंदर, ये आपने खुद नाम रखे थे? मैंने। तो मतलब क्या सोच के समुंदर नाम रखे थे? ये सोच के रखा कि इंशाल्लाह ये समुंदर की तरह ही काम करेगा। सही है। इसका बचपन है, ये बोलता था कि माशाल्लाह ये क्वालिटी में जाएगा। ये क्या क्वालिटी में गया, क्या स्ट्रक्चर पाया है इसने माशाल्लाह, ठीक है। और ये हाइब्रिड में आया है, हाइब्रिड में है ना। लोगों को वापस एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो बात है हैदराबादी और पतिरा से बनी थी हाईपैड, ठीक है, पर जो हाईपैड में कानों में भी बहुत लंबे गए 18, 19, 20, फिर वो हाइब्रिड में कहलाने लगे। वो ब्रीड आपने तैयार करी और शायद तोतापुरी में आपसे ज्यादा किसी ने ब्रीड नहीं तैयार किया। तोतापुरी में माशाल्लाह रिजल्ट अच्छा देखने मिलता है, जो चेहरा मिलता है ना तोतापुरी में, और ये माशाल्लाह तोतापुरी के लिए मास्टर है। मास्टर है, सही है, क्या बात है। मतलब ये बिल्कुल वाइट बच्चे ले आता है, कितनी भी कलर वाली बकरी हो इसमें पूरे वाइट बच्चे देते हैं, गुलाबी राउंड फेस पंच चेहरा सारी चीजें देखने मिलती है। तो समुंदर एक महीने का आपके पास आया था, उसके बाद आपके और इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है ना। आज माशाल्लाह इसके बच्चे पूरे इंडिया में होंगे। माशाल्लाह बहुत जगह है इसके बच्चे। एक दो बता सकते हैं आप कहाँ मतलब अभी परफॉर्मेंस हाई कर रहे हैं इसके बच्चे? अपने ये नंदासर में पप्पू भाई नंदासर, पप्पू भाई के वहाँ जो बादशाह बच्चा खड़ा है ना जी, वो इसी का बेटा है। इसी का बेटा है। इसके अलावा जैसे अभी यहाँ जमालपुर में दिए हमारे भाई है मुश्ताक भाई, नया जी कर रहे हैं जी, वो एक बच्चा दिया हाई क्वालिटी में जी, हाइब्रिड में। सही है बराबर। उसके अलावा भी माशाल्लाह अभी जैसे आड़न के अंदर एक बच्चा तैयार हो रहा है। सही है, काफी लोगों के वहाँ बच्चे तैयार हो रहे हैं। सही है। तो जो ये लाइन बनी है पटेल गोट फार्म की समुंदर के द्वारा आज पूरे इंडिया में परफॉर्म कर रही है। इसके कान कितने भाई? इसके कान 20 है। 20 के कान है, 20 के कान। क्या बात। इसके फादर का नाम क्या थोड़ा बताए एक बार? इसके फादर का नाम सुल्तान है, सुल्तान जो वरकवाला गोट फार्म का ओनर जो था माशाल्लाह वगैरह जी। और ये कान क्वालिटी क्या है, ये दिखता नहीं है, रुमाली कान है, बाकी इसकी चौड़ाई कान की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 20 के कान है इसके। हाँ, हाई ब्रीड के अंदर दोस्तों 20 के कान है और बहुत टॉप परफॉर्मर है तोतापुरी पे, तो एक नंबर रिजल्ट आ रहा है। सही है। मैं मोइन भाई को बुलाना चाहूँगा एंड देन फिर एक एक करके आपकी बकरी कुछ सेलिंग के लिए है आपके पास? सेलिंग का भी दिखाएंगे। मोइन भाई माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मोइन भाई कैसे आप? मोइन भाई से जितनी बार मिलेंगे हम लोग कम है उतना, क्योंकि मोइन भाई के साथ में जो हम सीखते हैं ना, वो आई थिंक पूरे इंडिया में हमको सीखने नहीं मिलता है नस्ल के बारे में। सही है। आपको भी काफ़ी प्राउड फील होता होगा भाई कि आपका जो ब्रीडर का बेटा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपके जाने के बाद भी लाइन चालू रखी है उसने। सही है। और मैं और आप और हम भाई तीनों गए थे नंदासन, वहाँ इसका बेटा और उसके बच्चे भी देखे हमने, तो काफ़ी दिल खुश होता होगा। अच्छा, अहमदाबाद बापू गुड फार्म पे भी पढ़े हुए? काफ़ी जगह माशाल्लाह, बहुत जगह इसके। सही, मतलब याद नहीं रहता इतनी जगह पर। सही है। सुल्तान की लेगेसी को आगे ले जा रहा है अल्लाह के करम से। सही है। तो ये था समुंदर जो हमने दिखाए लोगों को। लोगों ने हैदराबादी पथिरा पे यूज किए, आपने पूरा चेंज करके मामले को प्योर हैदराबादी बकरी पे सुल्तान को यूज किए, जो कि हाइब्रिड था और उसने और भी ऊंची हाइब्रिड लेके आई। माँ और बाप दोनों से ज्यादा के नाम पर था होगा।
आपको एक्सपेक्टेशन थी कि माँ बाप से ऊपर जाएगा? सर बच्चा पैदा हुआ था 3 दिन का, तब से लोगों ने उसके भी डिमांड में मांगना चालू कर दिया। इसके फादर के कान कितने थे? 18.5। और मदर के? अभी इसकी मम्मी के कान 18.5 रही है। देखो अब बच्चा गया 20 पे, और ये इसके बच्चे जो आ रहे हैं ना माशाल्लाह इतने बड़े कान में आ रहे हैं, मतलब 21-22 में भी आ रहे हैं। 21-22 में भी आ रहे हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि माँ बाप में अगर क्वालिटी हाई रहेगी तो बच्चे उनसे भी हाई बन के दिखाएंगे। जैसे मोहिन भाई, जैसे आसिम भाई, 2-4 बकरी पालने वाले लोग हैं जो हाईलाइट नहीं है, हाँ। उनके वहाँ इसके बच्चे ऐसे आए हुए कि माशाल्लाह अगर वो मार्केट में आते हैं तो वो ज्यादा नाम होता है। लेकिन अरे, क्या एक जगह और हमने देखे थे ना इसका बेटा, नहीं नहीं वहाँ तो देखा था पप्पू भाई, जहाँ हम लोग वहाँ गए थे गोधरा, गोधरा में इसका नहीं था। अच्छा, हाँ, लेकिन पहले का एक बच्चा था ना उनके पास, किंग का बेटा था। अच्छा, गोधरा में सब उसके बच्चे घूमते, जो वो भी एक हाइब्रिड में था, हाइब्रिड में था, टॉप क्वालिटी का। उसका बकरा जो किंग था ना, उसके बाप को सुरेश भाई लोखंड वाला ने अहमदाबाद में सबसे ऊंचे रेट का बकरा दिखाओ ना, लोगों को बहुत ऊंचे शौक पे ले गए ना सुरेश भाई, तब 6.5 लाख का बच्चा का भाव दिखा था। सही है, मतलब वो ब्लड लाइन टॉप की ब्लड लाइन थी, वो भी जैसे इसकी है, वो ब्लड लाइन अब एंड हो गई, उसकी देखिए एक नंग खड़ा होगा, लेकिन वो हमारे अहमदाबाद तो बहुत उस बकरे से। मैंने पंजाबी बकरों पर वाइट बच्चे देखा उसके, और ये सुल्तान की लाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये आपको तोता पानी पूरा वाइट बच्चे दे रहा है। सही, ये बच्चे के बारे में बताइए, ये मेवाती में से आया हुआ मोहिन भाई, मतलब यकीन नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरा देखो आप इसका, ये तोता पूरी मेवाती में से आपने, ये अपने समुंदर की ब्रीड लाइन आई है, फुल वाइट, फुल वाइट, कहीं भी कुछ नहीं, चेहरा, गला, आँख, माशाल्लाह। सुल्तान की माँ सोजत थी, अच्छा, सुल्तान की मदर सोजत में से थी। अच्छा, और सोजत में इतने अलग रंग बच्चे देती थी सुल्तान, उसकी तीसरी जोड़ का बेटा था। क्या बात है, इस साल उसको मैंने बकरा की कुर्बानी कर दी, लेकिन मैंने उस बकरी के 14 बेहतर लिए हुए, 14, हाँ, 14 टाइम बच्चे लिए। सही, ये बच्चा देखिए आप, और इसकी मदर है यहाँ पर, इसकी मदर भी है भाई, मदर को लाइए एक बार, ये भी ब्रीड बनाई हुई है मैंने घर की, जो भाई वो घुमा के इधर ला, थोड़ा समुंदर का भी चेहरा अगर आप दिखाएंगे इधर, ये पूरी फैमिली देखो ऐसे कंप्लीट हुई है, मदर और मदर खुद की बनाई हुई ब्रीड। मार्च के एग्जीबिशन में जो आप चिल्ला रहे थे ना, फुल डब्बी जेसीबी पंचा चिल्ला रहा, ये बकरी को ये अवार्ड विनिंग गोट है माशाल्लाह, और ये भी होम ब्रीड है, ये मेहनत है हमारे भाई की एक्चुअल में, ठीक है। अभी देखो सब चीज़ में अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मदद है, लेकिन इन्होंने जो हिसाब से मेहनत की है ना, वो काबिल तारीफ है। आज बच्चा देखो आपको तो मतलब पालने में बच्चे के पाँव समझ में आते होंगे, आपको क्या लगता है ये काम बताइए अभी है ना, अभी इसके लोडेड या इसके जो रिजल्ट होंगे, ठीक है, साथ में वो बकरियाँ भी दिखाते हैं, अगर कुछ सेलिंग का भी रहेगा इसमें तो आप एक बार बता देना, वैसे तो कुछ बच्चे बचते ही नहीं, यहाँ पर सेलिंग हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, पर अगर कुछ रहेगा तो हम लोग इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में बता देंगे। एक ऐसा सवाल था कि जो आप मेवाती पे इसका रिजल्ट ले रहे हैं, तो मेवाती पे कान मनचाहे आते हैं कि सिर्फ पंच के लिए आप वो काम कर रहे हैं? नहीं, कान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे आते हैं इसमें, कुछ बकरियां जैसे अभी जो मेरे वहाँ भी तोतापुरी है वहाँ से बच्चों के साथ आई हुई है, हाँ। लेकिन जो मेरे वहाँ के बच्चे थे वो सेलिंग हो चुके। सही है, हाँ। तो मतलब बेसिकली अगर पंच के तो है ही है, हाँ। कान भी आ ही जाते हैं मनचाहे, कान माशाल्लाह आते हैं। अभी एक बच्चा इसका मेरे वहाँ आया था मेवाती में से, उसकी माँ बताऊंगा मैं, और करीबन 4 महीने का बच्चा 16 इंच कान का था। अच्छा, जो आपने सेल कर दिया अभी? नहीं, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जी, पूरा वाइट बच्चा। ये बकरी है वो? हाँ, ये बकरी है, पकड़ो ना उसको, बकरी देखो आप, आराम से देखो, बच्चा 16 इंच कान पे था ये बकरी, और इसका भी राउंड फेस पंच चेहरा, ये कलर पूरा कट जाता है पूरा। इसका बच्चा मैंने मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है जी। आपका आईडी क्या नाम से? पटेल गोस्वामी। पटेल गोस्वामी, मैं ये जानना चाहता हूँ मेवाती में 3 से 4 कलर आते हैं, एक ये वाला, एक होता है नासी मुंडा, और एक चांदनी आता है, एक वो आता है चांदनी, एक गुलमोहर आता है, ऐसे थोड़े पैच में। कौन सी कलर की बकरी आप ज़्यादा प्रिफर करते हैं? जैसे एक आता है ये वाला मुंडा, ये
तो आप कौन से कलर की प्रेफर करते हैं जिसमें 100% व्हाइट? ज्यादातर कोई भी हो मेवाती में, सिर्फ ये चाहिए उसकी चमड़ी गुलाबी होनी चाहिए। अच्छा, तो ओरिजिनल मेवाती में आता है गुलाबी है, लेकिन जहाँ कलर होगा ना वहाँ चमड़ी गुलाबी नहीं होगी। अच्छा, जहाँ व्हाइट बाल होंगे वहाँ गुलाबी होगी, उसकी पकड़ है। कोई कोई मेवाती आती है पूरी नासी कलर की, हाँ, लेकिन उसमें क्या होगा चमड़ी की परख चाहिए अपने, केवल उसकी अपनी चमड़ी देख के बोल सकते कि अगर इसमें से व्हाइट मिर्चा आएगा तो उसको मुंह पे स्पॉट नहीं आएगा। सही कहा, कलर कलर के हिसाब से आ जाएगा, जैसे जहाँ कलर आएगा वहाँ नीला कलर बताएगा, लेकिन जहाँ व्हाइट बाल होंगे ना वहाँ गुलाबी ही बताएगा। तो ये सब बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है, देखना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये बकरी देख ली हमने, और भी कुछ बकरियां दिखाते हैं आपकी मेवाती की। सबसे पहले लाओ स्टार्ट करते वापस से, और ये जो बकरी आपके राइट हैंड साइड पे, माशाल्लाह ये भी मेवातियों में से बनी हुई है। हाँ, ये मेवातियों में से, लेकिन इसमें कुछ ग्रोथ हो चुका है शायद, क्योंकि इसके कान 16 इंच के। अच्छा, हाँ, और वो हिसाब से कलर में भी हैदराबादी कलर ला चुकी है, तो हो सकता है कभी ये पहले क्रॉस हुआ। हाँ, मतलब ये प्योर मेवाती में नहीं है, ये क्रॉस होके अब एक हाइब्रिड की तरफ बढ़ गई है। अब जो इसके बच्चे आते होंगे वो फिर वो अच्छे आएंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन बकरी की क्वालिटी बहुत नंबर वन है, पूरा इसका स्ट्रक्चर, इसका ग्रोथ बहुत उम्दा है माशाल्लाह। तो ये अभी किससे लोडेड है भाई? अभी ये अपनों ने यहाँ से लिए समंदर गोल्ड फार्म से। सही है, उन्होंने कहा था कि लग चुकी है शायद, लेकिन खाली समझना है। अच्छा, तो अपने क्या है, खाली रहेगी तो अच्छा रहेगा अपने लिए। सही है, आपको उसमें ज्यादा फायदा है। तो वाइट बच्चे के लिए अपने लिए भी, इसमें से इंशाल्लाह वाइट ये मॉडल में बनेंगे तो अच्छे रहेंगे। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट ट्रिप में इसका कलर बहुत कटा है, तो आगे चल के और कट जाएगा। बकरी बहुत उम्दा है माशाल्लाह। ये बकरी भाई, ये बकरी अपने ये दो बच्चे इसके, ये फीमेल है, देखो ये कलर कट चुका है, काफी कलर कम हो चुका है। अब इंशाल्लाह ये फीमेल है, अगर बड़ी होके लगेगी तो इसमें व्हाइट बच्चे आने का ज्यादा चांसेस रहेगा। बहुत चेहरा, गला, सब कुछ परफेक्ट है। ये बच्चे हैं देने में? नहीं, अभी घर के लिए रुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी कोई फार्मता आएगा और मांगेगा तो देने देंगे। सही है, मतलब ऑनलाइन डील मत करो, सीधा फार्म पे आना। दोनों नर है मादा? दोनों मादा है। चेहरा दिखा, चलेगा, छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि हम लोग और भी काफ़ी बकरियां देखेंगे, तो ये दो बकरियों के भी आपने, मतलब इन पे भी हाइब्रिड के नस्ल है। ये फुल देखो, क्या गोल्डन बोलेंगे, पीली बोलेंगे? ये गोल्डन बोलेंगे। ये तो पूरी गोल्डन है भाई, पूरी गोल्डन है। इसी यही कलर में से जो अपने को अभी वाइट जो फीमेल माँ बेटी बताएंगे वो दोनों ऐसी कलर में से ही आई हुई है, ऐसी में से आई हुई है। सोच सकते हैं आप, असर मतलब कलर का कितना कट होना, मतलब ऊपर, मतलब बिल्डर अपने ऊपर ही ले रहा है, मतलब पूरा। और ये जो समंदर अपने ऊपर ही ले रहे हैं, मतलब वो ब्रीडर तो है ही। हाँ, पर जो ब्रीडर्स हैं जो ये खुद, हाँ, तो इनको एग्जामिन करना पड़ता है। हाँ, कि ये बकरी है चमड़ी जैसा, चमड़ी गुलाबी चमड़ी है, हर चीज देखनी पड़ती है। तो इसका अभी रिजल्ट नहीं है यहाँ पर देखने को? नहीं, अभी रिजल्ट नहीं है। ये बकरी व्हाइट आइज में, मतलब ये पहले ही हाइब्रिड हो चुकी है। और ये अभी इसका चेहरा देखो लाल चमड़ी में। हाँ जी, लेकिन इसके बच्चे प्योर गुलाबी आते। और अगर देखा जाए तो ये लाल चमड़ी में, लेकिन बच्चे पूरे गुलाबी आ रहे हैं थ्रू द ब्रीडर, मतलब है ना। और इसके कान की साइज क्या होगी? ये कान की साइज है 16 के आसपास, 16 के आसपास। चकलान भी कम है इसकी। और इसके बच्चे हैं अपने पास? हाँ, बच्चे, बच्चे दिखाते हैं एक बार। बच्चे किसका रिजल्ट है भाई? बच्चे ये दूसरे हैदराबादी का रिजल्ट है। अच्छा, दूसरे बकरे का रिजल्ट? वाला मतलब ये समुंदर का रिजल्ट नहीं है? नहीं, ये नहीं है, ये हैदराबाद व्हाइट में बनेंगे ऐसे बच्चे। इसके जो फादर थे ये बच्चों के, ये कितने कान पे थे? वो कुछ 18-19 कान पे, 18-19 कान पे, माँ कुछ 15-16 कान पे आज। और बच्चों के खुलापन देखो आप, चेहरे पे पंच, पूरे गुलाबी बच्चे, दोनों नर बच्चे, माशाल्लाह। ये देने में है भाई? ये घर के लिए रोके अभी मैंने, उसमें से एक सेल कर दूंगा इंशाल्लाह, जो भी अगर किसी एक को एक सेल करेंगे। क्या क्वालिटी है, एक एक करके छोड़ो भाई, पहले आप छोड़ो। दोनों सिंह मार्बल है, एक अलग ही रुबाब का बच्चा है, पूरा गुलाबी बच्चा है, देखिए आप। उसको छोड़ो भाई,
पंचहरा गलापट्टी बहुत आगे जाने वाले बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद ऐसी हाँ माशाल्लाह देखो दोनों में से एक बच्चा दे देंगे आप लोग कांटेक्ट कीजिए पटेल गोस्वाम ठीक है भाई अभी क्या देखेंगे अब हैदराबादी वही दिखा तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआ में याद कीजिए अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम हैदराबादी भी रखते हैं और कुछ हाइट पैड भी रखते हैं जिसके थ्रू आप हाइब्रिड से काम कर रहे हैं तो मेन फोकस जो है वो फन से लॉन्ग ईयर्स और गुलाबी पन ठीक है ना मोहिन भाई ये मेन फोकस है हमारा फोकस तीन प्रोडक्ट के ऊपर है जैसे तो मतलब गुलाबी पन तो जो आपको ना पता हम लोगों का खून में लेकिन इनका मेन एक्सट्रीम फोकस जो है ना जमुनापारी में ज़्यादा है अहमदाबाद में जमुनापारी एक्सट्रीम पे काम करता हो तभी ये भाई हम लोग भी नहीं है मैं आज से नहीं देख रहा हूँ आई थिंक मैं तीन साल से देख रहा हूँ भाई को मैं खुद उससे पहले से तो कर ही रहे माशाल्लाह इनको हमारे एडवांटेज है ना ब्रीडर का हमारे पास जो ब्रीडर है ना हमसे तोतापोरी क्रॉस कराते ना आजीम भाई सुल्तान तो नहीं मेरे पास तब मेरे को क्रिस्टल वाइट प्योर गोल्ड डायमंड मिलना मुश्किल है सही अब वो सुल्तान था तब तक मेरे पास भी तोता पारी थी बराबर लेकिन अब मेरे पास सुल्तान रहा नहीं देख रहा हूँ अभी आप प्योर हैदराबादी की तरफ चले गए उसके अंदर का हैदराबादी में भी कलर है और जमुनापारी में भी कलर है सही तब कहीं ना कहीं वो स्पॉट थोड़ा कलर का लाता ही है सही अब इनकी एडवांटेज क्या है समंदर का समंदर की वजह से इनको क्या कलर बकरी के अंदर पूरा वाइट बच्चे मिल जाते आपने देख लिया सही तो समुंदर का रिजल्ट आप बताइए पहले हैदराबादियों पे भी बताइए पतीरा पे हाइट पैड पे क्या रिजल्ट आया थोड़ा सा लोगों को बताइए ठीक है और कुछ बकरी अगर देनी हो तो भी बताइए भैया अपने पतीरी में से आया हुआ फीमेल है ये समुंदर की फीमेल है 17 कान के समुंदर की बेटी है प्योर पतीरा बकरी में से कान क्या ले आई देखो आप 17 के कान ये हाइब्रिड में हो गई अभी अब इसके बच्चे इंशाल्लाह और भी हाइब्रिड में जाएंगे है ना कुछ बकरी अगर देने की भी हो तो भी आप बता देना इंशाल्लाह इसमें से किसी को कोई पसंद आएगी तो स्क्रीनशॉट भेजे इंशाल्लाह ठीक है और कुछ लोडेड भी होंगी सुल्तान से तो वो भी समुंदर से भी बताइए सही ये बकरी अपने जूनी बकरी में से है पतीरी में से जी के बच्चे माशाल्लाह अभी जो सुल्तान ने दिया ना अभी यहाँ जमालपुर में लंबे कान में वो इसी का बेटा है सही इसी का बेटा है 14 कान का बच्चा है सही वो एक्चुअली बच्चे का नाम सुल्तान सुल्तान एक्चुअली मेरे भी मुंह से कभी सुल्तान निकलता है कभी समुंदर निकलता है क्या हो गया बाप बेटे माशाल्लाह ये मॉडल में आती है लेकिन माशाल्लाह पंच फेस राउंड चेहरा एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी की बकरी है हम लोग चलेगा और बकरी दिखाइए वहाँ से भागा दो एक बार तो यूसुफ भाई ये अभी एक पूरी टीम बता रहे अपने को और ये कैसे है मतलब ये मेवाती की है मेवाती की बेटी है हाँ ये समंदर की बेटी है देखो कोई बोल भी नहीं सकता है पूरी वाइट हो गई है कान भी खुल गया माशाल्लाह कान भी खुल गया और फिर इसकी बेटी है कोई इसकी अभी ये अभी दो दांत पे है जी ये अभी अब लगी है बकरी सही है अब देगी पहला वे सही और ये जो मोहिन भाई के हाथ में ये हंसा की फीमेल है हंसा की इसकी माँ भी है और इसकी माँ की एक एक आपके यहाँ भी है इसकी बहन मेरे पास है इसकी बहन आपके यहाँ और ये एकदम क्वालिटी फुल क्वालिटी पंच बकरी है ना इसको हम बहुत टाइम से ऑब्जर्व करते हैं इसके कान देखो आप पूरी मेली बकरी है देखो पूरी मेली है अंदर से पूरे कान काले हैं और समुंदर ने इसका पूरा काया पलट हो गया अब इसके कान देखो ये होती है क्वालिटी जमुनापारी के अंदर से ऐसा रिजल्ट लेना पूरा गुलाबीपन ये समुंदर की खासियत है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह और ये बकरी जो भाई ये क्या पतीरी में से आई हुई है ये अब हाइब्रिड की तरफ चले गए हाइब्रिड की तरफ वाइट आइस और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह तो एक ब्रीड लाइन पे काम करेंगे तो ये फ़ायदे होते हैं अपने को चलो कुछ हैदराबादी भी दिखाते हैं अभी ये भी माँ बेटी है ये माँ भी यहीं बनी हुई है कि बाहर से भी होते हैं नहीं ये अपने मोहिन भाई के वहाँ की टीम है क्या बात है माशाल्लाह ये जुबैर की बेटी है जुबैर से और माँ इसकी कौन है माँ इसकी माँ आईपैड ही है आईपैड के अंदर है ना और जुबैर का रिजल्ट देखो आप और फिर ये किसका रिजल्ट है ये समंदर का रिजल्ट
मतलब ये नस्ल को और एक कदम आगे बढ़ गई। देखिए इसके कान देखिए और खुले कान क्या आ रही है, खुले कान और बच्ची अभी तो दोनों सिंह मार्बल है, पन चेहरा गुलाबी पन अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें से कुछ अगर समझ में आता है तो भाई से बात करें जरूर आप लोग, समझ में आता तो मेरे से बात कर लेंगे, मैं बाजू में खड़ा हूं। सही है, लोगों को भी मौका दीजिए गोविंद भाई। सो दोस्तों अभी दो नासी बकरियां देख रहे हैं हम, तो आपने नासी बकरी मतलब एज अ एक्सपेरिमेंट रखे थे कि आपको ऐसा श्योर था कि भाई इस पे भी व्हाइट या ब्लैक बच्चे आएगा, व्हाइट आएगा भाई, लेकिन इस पे आपको बहुत अच्छे बच्चे आए थे आई थिंक, है ना? हाँ, दे चुका हूँ मैं, सेल कर चुका हूँ। सही, मतलब क्या व्हाइट आए थे पूरे या नहीं? अबलक में आए थे, अबलक में आए थे। बकरी बहुत अच्छी लेंथ की है और चेहरा भी काफी अच्छा है माशाल्लाह। कान कितना है? के वाड़ों पे एक दो दो नाची बकरे देखने मिलेगी अब जी, तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक नेट डेमो करना है कि नासी पे हमको क्या रिजल्ट मिलता है। सही, तभी आप सबके वाड़ों पे जाओगे ना, चाचा पर भी आपको सब पर एक दो दो नासी देखने मिलेगी। नासियों में पन ज्यादा अच्छा आता है भाई, पंच का तो पंच आता है, चकला नाती है, कान क्वालिटी अच्छी आती है, कान क्वालिटी को तो नासी को कोई नहीं लग सकता, कोई नहीं लग सकता। और उसके जो कान खुले आते हैं ना तो पब्लिक को 6-7-8 चकला एकदम एलिफेंट ईयर्स वो दे सकती है नासी। हाँ। और ये बकरी, ये बकरी अभी मैंने बेंगलोर से मंगाई है, अभी समंदर से लोडेड है, लोडेड नहीं पर्चेज अभी। सही, तो जो रिजल्ट आएगा आगे देखने में समंदर का आएगा, तो ये दोनों बकरी आप देख लो, इंशाल्लाह आने वाले टाइम इसका रिजल्ट जरूर दिखाएंगे आप। ठीक है, दो अभी अबलग बकरी है वो भी दिखाता हूँ आपको, वो रही नासी देख ली, अब अबलग देख रहे हैं। तो ये इसमें से आपके यहाँ पैदा हुई भी कौन सी है? मेरे वहाँ पैदा हुई नहीं कोई भी, लेकिन ये भी मैंने बाहर से मंगाई है, ये प्रिंस की बेटी है जो अपने जाफर चाचा वाले। हाँ, जाफर चाचा प्रिंस की बेटी, मैंने वहाँ से मंगाई अपने नासिक से मंगाई, नासिक या नांदेड़ कहीं से मंगाई, महाराष्ट्र से ली हुई बेसिकली। सही है, कितने कान है इसके भाई? इसके कुछ 17 के आसपास है कान। सही, तो बेसिकली आप ये बकरियां जो जमा करते हैं ये समुंदर के हिसाब से ही आप? हाँ, ये सोच रहा हूँ कि इसमें से इंशाल्लाह अपने तो मेवाती में से जब वाइट बच्चे दे रहा है। हाँ। तो हैदराबादी में 18-19 कान पे अपने को ये कान देगा वाइट में, तो इंशाल्लाह हाइब्रिड बनेगी। सही, मतलब बहुत जबरदस्त वाली हाइब्रिड बनेगी। समुंदर की जो माँ पूरी अबलक में थी। अच्छा, समुंदर की माँ पूरी अबलक में, सुल्तान की वजह से बच्चा वाइट आया और सुल्तान का बेटा है, तो इंशाल्लाह इस अबलक के अंदर से अगर समंदर क्रॉस होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह 90% अपने का सर यकीन है अल्लाह की तरफ से कि वाइट बच्चा आने के। सही है, अगर दो देगी उसमें एक तो आना ही, और कान की क्वालिटी ऐसी आने के पूरे चांस। अगर बकरी अपने का बच्चा डालती है तो अल्हम्दुलिल्लाह कान देनी है तो भी। सही है, सही है, मतलब लोग जो उल्टी चीज कर रहे थे, हैदराबादी बकरा ला के पतीरा पे हाईपेड पे यूज कर रहे थे, आप लोग ने ये पूरा चक्कर ही घुमा दिया। बेसिकली अपने हाईब्रिड बकरा हैदराबादियों पे क्रॉस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? अब इंशाल्लाह वही हुआ ना, जरा हमको हैदराबादी में कान मिलते थे। हाँ। फिर हमने हमारा वाइट बकरा उनको लगा की तो उससे हमको हाइब्रिड मिली, एक्स्ट्रा क्वालिटी खुले कान की। बराबर, हम लोगों को यहाँ पे एक्सट्रीम लोगों की जो चॉइस है ना, कलर है वाइट में जाता है। सही कहा, हम जितना कलर में अच्छा बच्चा दे देंगे ना, लेकिन एक बार व्हाइट वाला बच्चा पिंक स्किन के अंदर थोड़ा डल भी होगा ना, लेकिन लोग पहले वही पकड़ेंगे। और ये बकरी, तो ये बकरी ये कहाँ से ली आपने? ये बकरी मैंने मंगाई थी सूरत से, अबू बकर भाई से। अबू बकर भाई से ली, इनका भी बनाया, रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं और बहुत हाईएस्ट क्वालिटी में बच्चे डालती है। अभी इसने जो बच्चा डाला प्योर समंदर है, प्योर भाई के वहाँ मैंने रखा है वो बच्चा। अच्छा, वहाँ तैयारी। सही, और ये बच्चा इसका, ये बकरी फीमेल है, ये मैंने दोनों साथ में मंगाई थी वहाँ से बेंगलोर से, तो ये भी बाहर का ही रिजल्ट है। तनवीर भाई से ली थी बेंगलोर, तो अब आगे चल के समुंदर का रिजल्ट इन सब पे देखने मिलेगा। पीछे एक और बकरी बंधी हुई है। हाँ। ये भी आपने बाहर से ली है? हाँ, ये भी बाहर से ली थी, ये भी बाहर से ली और समुंदर से लोडेड है। हाँ, वो सेल के लिए, उसके अभी बच्चे आए थे, मैं बॉम्बे भेज दिया। सही है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्लोज भी, आ जाओ। कितने कान पे है? 18+ है। 18+ है और समुंदर से कंफर्म हो गया, ये फॉर सेल है। जो किसी भाई को चाहिए भाई से कॉन्टेक्ट करें। और क्या खड़े हो, ये आपकी होम ब्रीड है? हाँ। ये बाहर से ली हुई आपकी? ये मेरे वहाँ 3 मीटर दे चुकी है। अच्छा, आपने ली बाहर से थी। हाँ। और ये हाईपेड में है बकरी? हाँ। पर नॉर्मल आइस के अंदर है। नॉर्मल आइस। और ये समुंदर से जब लोड हुई तो ये बच्चे आए इसके? ये दोनों फीमेल डाली, ये बच्चा आया मार्बल सिंह के अंदर। चेहरा देख लो आप, कान की साइज और क्वालिटी देखें। और ये एक बच्चा है, एक ये फीमेल है, फीमेल बच्चा है। और अभी ये बकरी खाली है,
अभी लोडेड है वापस। अच्छा, समुंदर से लोडेड। इसमें से कुछ देना है आपको? हाँ इंशाल्लाह, कोई मांगेगा तो फीमेल है, बकरी है। अगर किसी को दोनों बच्चियाँ भी छे तो भी दे देंगे, अगर किसी को फीमेल के साथ छे तो भी बात कर सकता है। दो बच्चे तो हैं और फिर लोडेड भी है, तो मतलब सोने पे सुहागा है माशाल्लाह, और अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। चलेगा भाई, तो करना चाह रहे थे। ये किसका रिजल्ट है आप ये बताओ? ये अपने माशाल्लाह गोल्ड फार्म पे रसूल भाई के वहाँ जो प्रिंस है ना, जो मतलब ये एक्चुअल प्रिंस लाइन से ही है, जफर चाचा का जो बकरा प्रिंस है ना, उसी का बेटा रसूल भाई के पास है, लेकिन रसूल भाई ने आरिफ भाई ने उसका नाम भी प्रिंस की कंटिन्यूटी दी हुई है, तो वो प्रिंस टू बोलना पड़ेगा, मेरे को रसूल भाई को बोलना पड़ेगा। ये प्रिंस थ्री है फिर? नहीं, ये प्रिंस टू का बेटा है, प्रिंस टू का बच्चा देना लायक हो जाएगा और क्वालिटी बच्चे डालेगा फिर प्रिंस थ्री बोलेंगे। ये आप एकदम मतलब बोलते हैं, एकदम पक्की बात बोलते हैं, ये मेरे को अच्छा भी लगता है भाई, है ना। ये आपने जो बोले कि तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन जो लाइन से आया है पर ये खुद अपनी लाइन आगे बढ़ेगा तो उसको नाम देंगे। तभी मैं बताऊं, अपने को लगता है कि अपना बच्चा पकड़ा सक्सेस है जी। अब प्रिंस का बेटा, प्रिंस का बेटा, ये क्या उम्र का है और क्या कान है इसके? ये अढ़ाई महीने के करीब है, अढ़ाई से तीन महीने का है और 15+ कान है माशाल्लाह। और कलर का भी राजा, मोहब्बती बच्चा है, देखो कैसा आराम कर रहा है, क्या बात है। तो ये आगे के लिए रखेंगे अपन, है ये देना नहीं आपको? दे देंगे, कोई मांगेगा तो इंशाल्लाह। चलो कोई मांगेगा तो ये भी अच्छी बात है, दे भी देंगे। आप लोग कांटेक्ट जरूर करें इंशाल्लाह। चलो और कुछ दिखाएंगे अपन, आप एक बार आपका नंबर बता दें। 6355669313। ठीक है, मैं इंशाल्लाह कल ये वीडियो आ जाएगा, तो जो भी कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है भाई का नंबर ले लें, और इनका खुद का इंस्टाग्राम आईडी पटेल गोल्ड फार्म नाम है, पटेल गोल्ड फार्म 313 जंगे बदर, आप उसको फॉलो कर ले, है ना, 313 सब्सक्राइब कर ले, भाई का जो भी अपडेट्स होगा नेक्स्ट उस पर डाला जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका खास खास, आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आए, आपका बहुत बहुत कुछ नसीब है, इन सब आपने मेरे को चुना तो मेरे को आना ही पड़ना है, तो मेरी फरज बनती है आप लोगों को आना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।